हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है एक अपकमिंग सेडान कार टाटा की तरफ से। ये गाड़ी एक प्रीमियम सेडान गाड़ी होगी जो कि टाटा की तरफ से पहली बार आएगी। टाटा जो कि अपनी एसयूवी गाड़ियों के लिए मशहूर है, अब वो लेके आने वाला है एक सेडान गाड़ी, क्योंकि इंडिया में अभी भी कई लोगों को सेडान गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद आती। ये गाड़ी राइवल करेगी होंडा सिटी, मारुति सुजुकी सियाज और ह्यूंडई वर्ना जैसी गाड़ियों से। ये गाड़ी आएगी टाटा के अल्फा आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पे, जिसपे आपको टाटा अल्ट्रोस, टाटा टाइगर और टाटा टियागो जैसी गाड़ियां देखने मिलती हैं। पहले बात करें इस गाड़ी की साइजिंग के बारे में, तो गाड़ी की लेंथ हो जाएगी 4450, विथ हो जाएगी गाड़ी की 1750 mm की और हाइट रहेगी गाड़ी की 1500 mm की। वहीं इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि इस गाड़ी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो रहेगा आपका 170 mm का, और एक सेडान गाड़ी के हिसाब से 170 mm बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी फीचर्स की बात करूँ तो इस गाड़ी के जो डोर हैंडल्स रहेंगे वो आपके 90 डिग्री ओपन होंगे, और वहीं इस गाड़ी में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लुक देखने मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के लुक प्रोफाइल के ऊपर में। गाड़ी का लुक प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा शानदार आने वाला है। गाड़ी के फ्रंट में बात करूँ तो फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर DRL हेडलैम्प्स देखने मिल जाएंगे, जो कि स्प्लिट LED डिज़ाइन के साथ ही आएंगे। फ्रंट में आपको एक बढ़िया ब्लैक्ड आउट ग्रिल देखने मिलेगी, जिसके साथ हो सकता है आपको न्यू टाटा की बैजिंग देखने मिल जाए, जो कुछ भी रहेगी। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको फ्रंट में एडास का रेडार भी देखने मिल जाएगा, जिसके कारण से ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी में आपको सेकेंड लेवल एडास ज़रूर देखने मिलेगा। वहीं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइलिंग की तरफ अपन चलें तो साइड प्रोफाइलिंग में आपको सर्कुलर व्हील आर्चेस देखने मिल रहे हैं, जिसके अंदर 18 इंच के डायमंड कटेड अलॉय की प्रोफाइलिंग देखने मिल रही है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़र आ रहे हैं। ऊपर की तरफ की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको एक शार्क फिन एंटीना दिखाई दे रहा है, तो इस गाड़ी में सनरूफ ज़रूर देखने मिलेगा, बट पैनारोमिक सनरूफ इस गाड़ी में देखने नहीं मिलेगा। बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड पर आपको मोस्ट प्रोमिनेंटली एक मैट्रिक्स स्टाइल टेल लैंप्स देखने मिलेगी, जो कि कनेक्टेड होगी एक स्ट्रिप LED लाइटिंग से। लोअर बॉटम में आपको ब्लैक्ड आउट बम्पर देखने मिल जाएगा, साथ ही साथ दो एग्जॉस्ट टिप देखने मिल जाएंगी, रियर पार्किंग कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर्स भी देखने मिल जाएगा। सो ऑल ओवर ये गाड़ी काफी ज्यादा शानदार आ रही है लुक प्रोफाइल के हिसाब से। मेरे ख्याल से जो उसके कॉम्पिटिटर है, जो की अभी नई आई हुई ह्यूंडई वर्ना फेसलिफ्ट है, उससे ये गाड़ी बहुत ज्यादा बेटर दिख रही है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ नहीं आती है, लेकिन सारे मॉडर्न कॉम्पोनेंट लेके आती है। अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर प्रोफाइल की तरफ। इंटीरियर प्रोफाइल भी इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा शानदार आने वाला है। पर्सनली स्पीकिंग, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है इस गाड़ी के इंटीरियर प्रोफाइल में, वो रहेगा इस गाड़ी का एक फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आपको डैशबोर्ड के पास दिखाई देगा। आपको भी इस गाड़ी में सेम 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने मिलेगा, जो कि न्यू नेक्सॉन EV में देखने मिलता है। वहीं इस गाड़ी में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। एक टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद एल्यूमिनेटिंग स्टीयरिंग देखने मिलेगा, जो कि अभी आपको सेम न्यू टाटा नेक्सॉन में देखने मिलता है। सो ऑल ओवर इंटीरियर में आपको अच्छे अपडेट्स देखने मिलेंगे। एक कूल क्लब बॉक्स का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। इंटीरियर कलर फॉर्मेट की बात करूँ तो इंटीरियर कलर फॉर्मेट भी आपको बहुत ज़्यादा शानदार मिलेगा। मेरे ख्याल से आपको इस गाड़ी में एक वाइट इंटीरियर देखने मिलेगा, ऑन अ स्टैंडर्ड मॉडल आपको अलग से एक जेट एडिशन लेना नहीं पड़ेगा। बैक साइड की बात करूं तो बैक साइड की सीट्स भी आपको AC वेंट्स देखने मिल जाएंगी, मीन्स वेंटिलेटेड सीट्स देखने मिलेंगी बैक साइड की। रीज़न बिकॉज ये एक लग्जरी मार्केट के सेगमेंट में आ रही है, और लग्जरी मार्केट के सेगमेंट में आपको थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें देनी ही पड़ती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो आपको बढ़िया एक 7.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिल जाएगा, जो कि फुल्ली डिजिटल रहने वाला है। उसमें आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी कि आपका जो गेट खोल रहा है उसकी पोजीशनिंग, टायर प्रेशर कैसा चल रहा है, फ्रंट कैमरा, साइड कैमरा, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री व्यू और एडास भी देखने मिल रहा है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही बहुत शानदार तरीके से देखना मिलेगा। एक और एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ हो सकती है इस गाड़ी के इंटीरियर में, हो सकता है आपको पीछे की सीट्स की तरफ 10.25 इंच की स्क्रीन लगी दिख जाए, जैसे कि आपको लग्जरी कार में दिखती है। रीजन बिकॉज टाटा ने बोला है ये गाड़ी प्रॉपरली एक लग्जरी कार को कम्पीट करने लायक बनाई जा रही है। अब चलते हैं इस गाड़ी की इंजन प्रोफाइल और लॉन्च पर। पहले बात करते हैं इस गाड़ी के लॉन्च की, तो ये गाड़ी इंडियन मार्केट में नज़र आएगी आपको सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में, मींस मार्च 2024 में आपको ये गाड़ी नज़र आएगी। प्राइसिंग की बात करूँ तो ये गाड़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड स्टार्ट होगी, तो गाड़ी की प्राइसिंग स्टार्ट होगी तकरीबन 14 लाख रुपए से, और टॉप एंड मॉडल जाएगा इस गाड़ी का
22 से 23 लाख रुपए तक। आपको एक वाइड रेंज का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। इन शॉर्ट आपको कम से कम 6 से 7 वेरिएंट देखने मिल जाएंगे जिसमें आपको अलग अलग फीचर्स नजर आएंगे। इंजन प्रोफाइल की बात करूं तो आपको एक शानदार 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने मिलेगा जो कि 170 bhp साथ ही साथ 190 Nm का टॉर्क बनाएगा जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल इंजन रहने वाला है। एक हाइब्रिड इंजन भी देखने मिलेगा आपको जो कि एक 1.5 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन रहेगा जो कि 160 bhp साथ ही साथ 210 Nm का टॉर्क बनाएगा। इस गाड़ी की प्राइसिंग ज्यादा है तो इस गाड़ी का इंजन भी काफी ज्यादा पावरफुल ही रखा गया है। सो ऑल ओवर इस गाड़ी का इंजन अच्छा है, प्रोफाइल अच्छी है और इंटीरियर भी बहुत ज्यादा शानदार है। अब बात करते हैं टाटा के मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है टाटा की सेफ्टी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ये आने वाली है टाटा के अल्फा आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पे जो कि एक 5 स्टार की एनकैप रेटिंग वाला प्लेटफॉर्म है। इस गाड़ी के और फीचर्स की बात करूं तो पहली बात आपको इन गाड़ियों के चारों टायरों में डिस्क ब्रेक देखने मिलेगा जो कि काफी ज्यादा अच्छी चीज है। इनके जितने भी कॉम्पिटिटर है उसमें आपको ये सब चीजें देखने नहीं मिलती है। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग देखने मिलेंगे ऑन अ स्टैंडर्ड मॉडल। सो आप अगर इस गाड़ी का बेस मॉडल भी लोगे तो एटलीस्ट आपको 6 एयरबैग जरूर देखने मिलेंगे। अब गाड़ी के एडास प्रोफाइल की बात करूं तो गाड़ी में आपको सेकंड लेवल एडास देखने मिल जाएगा जिसके अंदर रहेगा आपका 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, बैक कोलिजन वार्निंग, लेन असिस्ट, लेन चेंजिंग असिस्ट और इमरजेंसी पेडेस्ट्रियन ब्रेकिंग जैसी सारी चीजें। और हो सकता है जब तक इस गाड़ी का लॉन्च थोड़ा सा लेट हो रहा है तो और भी कई प्रोमिनेंट चीजें आपको इस गाड़ी में जुड़ जाएं। सो ऑल ओवर इस गाड़ी की सेफ्टी बहुत अच्छी आ रही है। मुझे जो इस गाड़ी में सबसे ज्यादा पसंद आई है वो है इस गाड़ी का 6 एयरबैग ऑन स्टैंडर्ड मॉडल। आई डोंट थिंक एडास हर गाड़ी में जरूरी होता है। आज से पहले भी लोगों के पास एडास नहीं था तो भी आपको एक अच्छा इंजन और एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी काफी रहती थी। सो आई स्टिल बिलीव कि एडास कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और आपको पर्टिकुलरली एडास चाहिए ही चाहिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज आपका एडास लेना सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे देना ही होता है। सो ये कुछ रीजंस थे मेरे ख्याल से आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। अब पर्टिकुलरली बात करते हैं ये गाड़ी दूसरी गाड़ियों से बेटर कैसे। फर्स्ट जिसकी मैंने अभी इतनी सारी बात करी, सेफ्टी। ये गाड़ी टाटा की तरफ से आ रही है और इसका जो कॉम्पिटिटर है ह्यूंडई वरना अब वो भी एनकैप रेटिंग 5 स्टार की ला रहा है क्योंकि उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बेटर हो गई। बट इसके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि मारुति सुजुकी सियाज और होंडा सिटी, उनकी अभी भी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी हुई नहीं है। सेकेंड रीजन मैं मानूंगा इस गाड़ी का हाइब्रिड इंजन। इस गाड़ी का जो हाइब्रिड और एक न्यू टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो देखा जाए तो ह्यूंडई वरना से ज्यादा पावरफुल रहेगा और बाकी कॉम्पिटिटर से काफी ज्यादा पावरफुल है। थर्ड रीजन मैं मानूंगा इस गाड़ी के लुक्स। ये गाड़ी पर्टिकुलरली होंडा सिटी से तो अच्छी दिखती नहीं है बट देखा जाए तो होंडा सियाज और ह्यूंडई वरना से काफी ज्यादा शानदार दिखती है। सो ऑल ओवर ये गाड़ी उन सबको बीट कर रही है। बस एक एस्पेक्ट है जहां ये बीट नहीं कर पा रही है वो है इस गाड़ी की प्राइसिंग। प्राइसिंग थोड़ी सी कम होती तो ये गाड़ी और भी ज्यादा शानदार लगती।